सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं अरुण मकानिया। तो गाइस, फ्रेम में आज आपको दिख रही होगी एक तरफ अपनी नेक्सॉन नाटो ग्रे, यानी कि जेड एडिशन जो वीर जी ने नाटो ग्रे करा ली हम, और एक तरफ दिख रही होगी मैग्नाइट टर्बो। अब ये मैग्नाइट टर्बो वाली है, मैनुअल है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, मैनुअल है ये, इंटीरियर देख सकते हो आप, पुरुष जैसे इसके हुए हैं एसी वेंट। तो करते हैं आज इनकी ड्रैग रेस। देखो टर्बो की बैजिंग दिखा देता हूँ आपको इधर। तो भाई दोनों की पावर स्पेक्स बताता हूँ। 100 हॉर्स पावर है 1 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन से, और 160 एनएम ऑफ टॉर्क है। फ्रंट व्हील ड्राइव है और 6 स्पीड मैनुअल है। अपनी नेक्सॉन भी 6 स्पीड मैनुअल है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। 118 हॉर्स पावर है, 170 एनएम टॉर्क है, ये भी फ्रंट व्हील ड्राइव है। वेट दोनों का बता दूँ भाई, 1215 किलो की अपनी नेक्सॉन है और 1040 किलो की आपकी वो है मैग्नाइट। तो वेट पर काफ़ी फ़र्क है, तो देखते हैं ड्रैग रेस करके। तो पूछते हैं भाई उसे क्या लग रहा है, बताओ जी वीर जी, बताओ जी। ड्रैग करके देखते हैं, ड्रैग करके देखोगे आप, मैं yes. भूल जाता हूँ अभी कहते हो। बताओ जी कौन सी लग रही है? जब नेक्सॉन के अगेंस्ट कोई गाड़ी हो, हाँ, तो वही जीतेगी नेक्सॉन ना, नेक्सॉन के अगेंस्ट। भाई देखो, टर्बो तो इसमें भी है, अब उसका नाम का टर्बो तो उसमें भी है, अब नाम का टर्बो, अब इसमें देखते हैं वो टर्बो नाम का या कैसा परफॉर्म करता है, देखते हैं। मैंने कभी कभी चलाई नहीं, तो देखते हैं अब चला के पता लगेगा। आप लोग सारी चलाई हुई है सेठ साहब, तो आपको मिलवाते हैं मैग्नेट के ओनर से। तो कैसे हो भाई? भाई आप बताइए। बढ़िया जी। तो भाई कौन सी लग रही है आपको? फिगर के हिसाब से नेक्सॉन लग रही है, बट क्योंकि इसका लॉन्च ही होता है, इसका वेट भी कम है, पावर टू वेट रेशियो अच्छा होगा इसका, देखते हैं क्या बोलते हैं। चलो जी करते हैं जी स्टार्ट ड्रैग रेस। मेरा वोट मैग्नेट की तरफ है, पीछे हुई है तो। अब भाई ये कमेंट मत करना, ये तो वो है टीन का डब्बा भाई, इसको भी 4 स्टार मिले हैं। सारी गाड़ी टीन का डब्बा नहीं होती है, मारुति को छोड़ के। इसी तो गाइस आगे अपने पहले राउंड में और मैग्नेट में है, और इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर लिया है, ट्रैक्शन ऑफ कर लिया है। एसी ऑन रखूं? अभी फर्स्ट राउंड में एसी ऑन रखते हैं। सिटी भी रखो, ठीक है रख लो जी। उनका भाई सिटी में है, एसी ऑन है, इसमें मोड आता नहीं है, इसमें ट्रैक्शन ऑफ कर लिया हमने, एसी ऑन है। तो अभी ट्रैक्शन भी ऑन रख लो ना, उसका तो ऑन ही रहेगा। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो उसका भी ट्रैक्शन ऑन है, एसी ऑन है। चलो जी, आपका ट्रैक्शन ऑन ही रहता है, सिटी मोड। अरे यार कोई नहीं, कोई नहीं। चलो चलो जी, लॉन्चिंग करी हमने, नॉर्मल उठाई है भाई, पूरी प्रॉपर नहीं भगाई, फिर भी निकल गई आगे भाई काफ़ी। अभी लॉन्च करें अगली बार, ले लो भाई ब्रेक ही ले लो, कोई फ़ायदा नहीं। और भाई अपनी मैग्नेट जीत के देख रहे हो, बिल्कुल आराम से उठाई है। और वैसे उसका देखो सिटी मोड था, और उसका स्पोर्ट्स मोड लगा के देखेंगे, और उसका ऐसे हाँ यूटर्न ले लो, और इस बार लॉन्च करेंगे प्रॉपर, फिर देखते हैं। बिल्कुल नॉर्मल उठाई है, बिल्कुल नॉर्मल उठाई थी बहुत अच्छा, मैंने टर्बो किक इन मारता है उसका भी बढ़िया। हां बढ़िया, और पता क्या, और हायर आरपीएम पे भी चेंज नहीं करे गियर, मतलब प्रॉपर नॉर्मल चलाई है, ठीक है, ड्रैग के हिसाब से नहीं, फिर भी जीत गई है। तो अभी तो यार ये तो फुल पोटेंशियल पे ही है ना, अब एक काम करो आप एसी ऑफ कर लो। एसी ऑफ अपना भी कर रहे हो? एसी ऑफ हां, या हम एसी ऑन रखते हैं अपना, आप एसी ऑफ रखो ना, ठीक है रखे ना अभी आप सिटी में रखो, हमारा ट्रैक्शन ऑन है अभी। चलो मैं करता हूँ ना, 3 2 1 अब निकली भाई आगे, वाह भी सेकंड गियर मार दे झटका मस्त। लो जी नेक्सॉन रह गई कितनी पीछे यार। तो भाई नेक्सॉन रह गई है काफी पीछे, नेक्सॉन नहीं भाग पा रही है, अभी स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं फिर देखते हैं, इतनी तो नहीं भाग पाती आ रही है, जितना मर्जी कोशिश कर लो, सिर्फ एक ग्लैंजा सीएनजी से जीती थी है। तो अब देखते हैं, पावर के हिसाब से तो कोई इशू लगना चाहिए उसका, गियर आप चलाओगे ना आप खुद कहोगे कैसा लॉन्च हो रहा, कैसे गियर बॉक्स है इसका। हाँ जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भाई, अभी तो कर भी नहीं रहे वैसे, ऐसा करो हम स्पोर्ट्स पे डाल रहे हैं और इस वाले राउंड में लॉन्च मारना, ट्रैक्शन ऑफ कर दे, हां ट्रैक्शन ऑफ कर दो, फुल पोटेंशियल कर दो एक राउंड, ठीक है, एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ है, हां एसी ऑफ, हमारा भी एसी ऑफ है, स्पोर्ट्स मोड है,
ठीक है लॉन्च मारना। ठीक है ठीक है, हम भी लॉन्च मारेंगे। उसमें टर्बो ही नहीं है, एन ए है वो। चलो पूरी रेफ करो, पूरी नहीं पूरी पे तो ये बैठ जाएगी। वाह भाई निकल गई बड़ी आगे, तो नेक्सॉन तो रहेगी पीछे, नहीं आती भाई नेक्सॉन, ओ भाई बहुत पीछे रहेगी यार वो तो। सही में यार तो बहुत बढ़िया बात की है, ले लो भाई ब्रेक ही भाई। 120 तक ही पहुंचे हम, और 120 तक भी साथ नहीं रही वो, मतलब 60 पे ही अपनी आगे निकल गई वो, देख सकते हो कितना फर्क है यार पावर में। और वेट का भी है, वेट 175 केजी इसका कम है, तो उसका भी फर्क पड़ता ही है। वीर जी और बुरी तरीके से हारोगे? हाँ जी और बुरी तरीके से हारोगे। एक काम करता हूँ, एसी ऑन रखता हूँ मैं, आप मैक्सिमम पे रखो ठीक है, आखिरी पे रोलिंग कर लेंगे। एसी ऑन रख रहा हूँ, ट्रैक्शन ऑफ रख रहा हूँ ठीक है। एसी ऑन ट्रैक्शन ऑफ, हाँ आपका मैक्सिमम रखना, एसी ऑफ स्पोर्ट्स मोड ठीक है, ट्रैक्शन ऑन है तो ठीक है, इसका भी हो गया ना। चलो ऑफ कर दिया, एसी ऑन है। थ्री टू वन, सब बहुत पीछे रह गई है जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, पोटेंशियल तो बहुत है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कम से कम नहीं तो 6-7 गाड़ियां पीछे आ जाएंगी। बढ़िया बाकी भाई, सही में बहुत बढ़िया भाग रही भाई, कुशाक को टक्कर देगी पक्का, पक्का कुशाक को टक्कर देगी। उसकी स्टीयरिंग में भी वेट है, तो हैंडलिंग भी काफी अच्छी है इसकी यार, जबकि सस्पेंशन सॉफ्ट के साथ ठीक है। अरे बहुत बढ़िया, मतलब एक मारुति को छोड़ के सब अपनी गाड़ियों में बढ़िया स्टीयरिंग देते हैं, पर अब उन्होंने फ्रॉन्क्स में दे दिया। अच्छा फ्रॉन्क्स से बढ़िया है, फ्रॉन्क्स की ऐसे ही आता है स्टीयरिंग में, वेट स्टेबल लगती है। इस बार देखो कितना गैप बन गया 5-6 गाड़ी का। रोलिंग करोगे फर्स्ट गियर 20? चलो एसी ऑन, एसी ऑन है मेरा, आप ऑफ रखना, ट्रैक्शन ऑफ कर दो, नहीं उसके उसकी तो जरूरत ही नहीं है। तीन तीन ऑन मैं बजा रहा हूँ, बात तो ये 70-80 के बाद। अरे वाह, और इस बार ज्यादा गैप नहीं है रोलिंग में, क्योंकि वो फुल पोटेंशियल पे ना, हमारा एसी भी ऑन है, ऊपर जीत जाती है रोलिंग में। पर रोलिंग में देखा आपने, क्योंकि इसका गियर बॉक्स इतना स्लगिश है ना, लॉन्च करते हैं तो बॉक डाउन हो जाती है गाड़ी, रोलिंग में सही परफॉर्म करती है वो, काफी तक हाथ तक बाबर रही है। हाँ वैसे भी देख लो 4-5 गाड़ी का गैप बना रही थी, यही फर्क रहता है इन दोनों में। अब एक काम करते हैं, आखिरी रोलिंग करते हैं, सेकंड गियर 30 पे रखते हैं, क्योंकि दोनों का टर्बो किक नहीं होएगा तब तक, उसके बाद अब एसी कर लेते हैं। सेकंड गियर 30 है तो पूरा बॉक डाउन होगी। हाँ वही तो देखेंगे ना फिर किसका टर्बो किक होता है। सेकंड गियर 30 रखते हैं, थोड़ी पीछे ले लो, चलो सेकंड गियर 30 है, मुझे लगता है एसी ऑफ कर लिया मैंने भी ठीक है, अब देखते हैं किसका टर्बो किक इन जल्दी होता है, कौन जीते। चलो निकल गए फिर से, मैग्नेट आ गए, नेक्सॉन नहीं आ रही पर गैप कम है, अब पीछे कर देगी थर्ड गियर में, अब तो हो गए भाई पीछे पड़े आराम से। अरे वाह अब भी जीत गई भाई मैग्नाइट, देख लो भाई इसका टर्बो किक ज़्यादा जल्दी होता है, अच्छा और बढ़िया होता है, और गियर बॉक्स भी इसका कहीं ना कहीं नेक्सॉन से काफ़ी अच्छा है, और ब्रेकिंग इतनी इसकी नहीं है, ब्रेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है इसकी, सही फर्क रहता है। बाकी तो ड्रैग में तो देखो मैग्नाइट ही विनर रहती है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अपनी मैग्नेट है वही विनर रहती है, हमारे आरफ भाई कह रहे थे नेक्सॉन जीतेगी, अब बताओ
वो तो आप सबको पता है, सबको पता है, मैं स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा था ताकि ऑडियंस रिटेंशन आ जाए। अच्छा भाई ये तो धोती खोल रहा है। तो प्रशांत भाई से पूछते हैं, उन्होंने भी चलाई, भाई कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? भाई मजा आ गया देख के। फर्स्ट टाइम करी आपने ड्रैग? नहीं था, फर्स्ट टाइम की थी। हां सही लगा आपको ड्रैग? सही लगा भाई। नेक्स्ट वन नहीं जीत पाती यार, उम्मीद नहीं थी इतना। अगर आप अभी चला के देखोगे ना, आप देखोगे गियर वो बहुत ज्यादा स्लगिश है, मतलब लॉन्च करोगे बॉक डाउन हो जाती है एकदम। तो प्रॉपर लॉन्च ही होती जैसे ही होती है और गाड़ी हो जाती है, ये नहीं होती। हां ये तो लॉन्च ही होती है। बाकी वेट का भी काफी फर्क था, पर देखो पावर नेक्सॉन की ज्यादा थी। चाहे देख लो 18 हॉर्स पावर ज्यादा थी, पर 18 हॉर्स पावर भी कम नहीं होती गाइस। तो यही थी भाई इनकी कुछ वीडियो, यही थी गुड ड्राइव। और वीडियो अच्छी लगी तो पता क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। तो ठीक है, मिलते जल्दी अगली वीडियो में।